कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भगवान राम और शिव पर दिया विवादित बयान। छत्तीसगढ़ की जांजगीर से कांग्रेस प्रत्याशी डहरिया को बताया शिव, कहा ये राम का मुकाबला कर सकते हैं। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए पोस्ट में लिखा, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। और अब वक्त चुनावी चौपाल का है। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव में रिपब्लिक भारत की जो टीम है वो लगातार हर जगह पर जा रही है और आज उस सीट पर भी पहुंची। चुनाव सिर्फ बीजेपी का गढ़ रही है बल्कि 35 सालों से बीजेपी इस लोकसभा सीट पर काबिज है। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं कि वहां पर लोग क्या कह रहे हैं, क्या है भिंड में इस बार भगवा लहराने का प्लान या फिर हाथ देगा झटका। ये काम है कि झूठ का भ्रम फैलाना, ये कांग्रेस की नीति बन गई। अभी रोडों में गड्ढे थे, गड्ढे में रोड थी, पता ही नहीं था किसी को। आज आप रोड देख सकते हैं। मोदी जी का नाम का डंका बजता है, ये तो कहने वाले कहते रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मोदी जी की है तो सब कुछ मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, 100% गारंटी, मोदी मतलब 100%। कश्मीर भी भारत का अंग है, जो तो अपने आप में पहले से ही हार मान चुके हैं कांग्रेसी, अब केवल जनता को दिखाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। भिंड लोकसभा सीट, मध्य प्रदेश के चंबल इलाके में आने वाली ये सीट कई मायनों में बेहद खास है। चाहे बात प्राकृतिक सुंदरता की हो या फिर प्राचीन मंदिरों की हो, लेकिन फिलहाल माहौल सियासी है और वजह है 24 का चुनाव। तो भिंड से चुनावी चर्चा लेकर हम हाजिर हैं। रिपब्लिक भारत की टीम भिंड पहुंची हुई है और यहाँ के सियासी हालात क्या है, सियासी हवा किस ओर बह रही है वो जानने की हम कोशिश करेंगे। चूंकि 35 सालों से बीजेपी का यहाँ दबदबा रहा है, कब्जा रहा है, लेकिन यहाँ अगर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की बात करें तो वो भी लगातार दाव ठोकते हुए अपने नजर आ रहे हैं और दावा किया जा रहा है कि इस बार भिंड की जनता जो है वो परिवर्तन की मांग कर रही है। लेकिन यहाँ बहुत सारे लोग हैं, उनसे हम चुनावी चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या एक बार फिर से वो बीजेपी को मौका दे रहे हैं या फिर वो इस बार परिवर्तन चाहते हैं। सर, क्या लग रहा है, क्या स्थिति है, क्या कुछ विकास कार्य हुए हैं या फिर परिवर्तन? बहुत सारे विकास कार्य हुए हैं, जन कल्याण योजनाएं चल रही हैं, पीएम आवास योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, आयुष्मान भारत योजना हो, नल जल योजना हो, ऐसी तमाम योजनाएं चल रही हैं जो गरीब कल्याण योजनाओं के लेकर गरीबों का कल्याण कर रही हैं। इसलिए मुझे तो लगता है भारतीय जनता पार्टी पिछली बार 2 लाख से जीती थी, इस बार लगभग 5 लाख से चुनाव जीतेगी। संध्या राय की अगर बात करें, सर आप भी आइएगा, तो कुछ नाराजगी उनको लेकर क्या है? कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वो क्षेत्र में दिखती नहीं है। ऐसा है कि मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि अपना भिंड दतिया लोकसभा क्षेत्र बहुत बड़ा है, 8 विधानसभा आती हैं और 8 विधानसभाओं में उन्होंने प्राथमिकता के आधार पर भ्रमण किया है। 2 साल हमारे कोरोना काल में चले गए लेकिन घरों से निकलने नहीं दिया, फिर भी आदरणीय संध्या राय जी ने एक जनसेवा का भाव करते हुए कोरोना काल में लोगों की जिंदगी को बचाने का काम किया है। क्यों कांग्रेस के पास और विरोधियों के पास इस प्रकार की कोई नीति नहीं है तो किस तरह लोगों को भ्रमित करना जाए, तो उनका ये काम है कि झूठ का भ्रम फैलाना, ये कांग्रेस की नीति बन गई है। भ्रम फैलाना कांग्रेस की नीति बन गई है। फूल सिंह बैरिया की अगर बात करें तो क्या कुछ उनके ऐसे स्टेटमेंट्स भी सामने आए हैं जो एक तरीके से उसको लेकर बड़ा बवाल भी हुआ है, लेकिन क्या स्थिति आपके इलाके में? जब उनकी मानसिकता भी चुनाव से पहले ऐसी है, एक जाति विशेष को लेकर उस तरह की वो अशब्दों का उपयोग करते हैं, तो बनने के बाद क्या करेंगे, तो जनता खुद तय करना चाहिए, मतदाता खुद तय करना चाहिए। रही बात भाजपा की, भाजपा विकास कार्य आपको देखते हैं, यहाँ से ग्वालियर से भिंड जाइए, भिंड से इटावा जाइए आप, कभी रोडों में गड्ढे थे, गड्ढे में रोड थी, पता ही नहीं था किसी को, आज आप रोड देख सकते हैं, आप जिला चिकित्सालय की व्यवस्थाएं देख सकते हैं, आज आप आवास योजना देख सकते हैं, उज्ज्वला योजना देख सकते हैं, किसान सम्मान निधि देख सकते हैं, अनेक योजनाएं, अभी मेडिकल जो कॉलेज उसका भूमि पूजन हुआ, ओवर ब्रिज रेलवे स्टेशन का उसका भूमि पूजन हुआ, इसको 6 लेन करने के लिए जो माननीय सांसद जी ने उसके लिए वहाँ लोकसभा में विषय रखा और उसको उन्होंने करवाया भी, तो अनेकों अनेक कार्य किए। हाँ, हो सकता है लोकसभा क्षेत्र बड़ा होता है, हर व्यक्ति के यहाँ तक नहीं पहुँच सकती वो, मगर फिर भी उन्होंने अधिक से अधिक समय अपनी लोकसभा क्षेत्र में दिया है उन्होंने। मोदी की गारंटी लगातार प्रधानमंत्री मोदी अपने मंच से कहते हैं, उनके नेता, उनके स्टार प्रचारक कहते हैं कि मोदी की गारंटी यानी कि गारंटी पूरा होने की गारंटी, और विपक्ष कहता है कि मोदी सिर्फ नफरत की गारंटी दे सकते हैं। क्या है कि जो विपक्ष है ना, उसके दिमाग में कहीं ना कहीं कुछ हलचलें चलती रहती हैं,
तो मोदी का कोई तोड़ नहीं है, तो उनको क्या सोचना चाहिए क्या नहीं सोचना चाहिए वो जानते नहीं हो, कुछ भी बोल देते हैं। तो मोदी जी क्या है, मोदी जी का आप देखो पूरे देश में, तो छोड़ो आप विदेश में देखो, मोदी जहाँ भी जाते हैं तो मोदी जी का नाम का डंका बजता है। आज मोदी जी को हर देश के, हर अपने हिंदुस्तानी भी बाहर रह रहे हैं वो भी आज जानते हैं कि मोदी जी कहाँ से कहाँ तक आज भारत को लेके गए हैं। तो ये तो कहने वाले कहते रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे चौपाल में मौजूद ये लोग पीएम मोदी का नाम देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी रोशन करने का दावा कर रहे हैं। लेकिन वही कुछ ऐसे भी लोग मिले जो 24 के चुनाव में परिवर्तन की राह देख रहे हैं। आप लोगों को क्या लगता है सर, कौन जीत रहा है इस बार? पिछड़ा दलित और शोषित की तरफ से जीत होगी और अधिक से ज्यादा इंडिया की जीत होगी, इंडिया गठबंधन की। ठीक, तुम जबरा पार्षद, क्या लग रहा है कि मतलब इस बार परिवर्तन चाहिए? बिल्कुल परिवर्तन, अवश्य परिवर्तन होगा। हो बरैया के साथ पिछड़ा शोषित दलित सब लोग एकदम उसके साथ हैं। लेकिन उन पर आरोप लगता है कि वो जाति के, आरोप कभी नहीं, आरोप लगते तो हेमंत कटारे चुनाव नहीं जीतते, आरोप लगते तो तीन तीन ब्राह्मण चुनाव जीते, हो बरैया की देन से जीते, हो बरैया का वोट है, हो बरैया बहुत बड़ा नेता है अनुसूचित जाति और दलित और शोषित लोगों में। सर क्या लग? देखो संध्या राय जी ने तो पर्टिकुलर कुछ नहीं किया क्षेत्र के लिए, ये बात तो फैक्ट है। लेकिन क्या है कि मोदी जी की गारंटी पे सबको यकीन है, इसलिए चुनाव तो वो जीतेंगे, बरैया चुनाव हारेंगे बहुत बुरी तरह से कम 3-4 लाख वोटों से चुनाव। मतलब बेसिकली प्रत्याशी पर भरोसा नहीं है लेकिन मोदी, प्रत्याशी पे कोई भरोसा नहीं, प्रत्याशी ने क्षेत्र में कुछ काम ही नहीं किया, कहीं आए गए नहीं कि कोई मतलब ऐसा उन्होंने इम्पैक्ट नहीं डाला है जनता के बीच में कि जो संध्या राय जी को वोट दिया जाए। लेकिन हाँ अब मोदी को जिताना है तो संध्या राय जी को जिताना होगा, मोदी गारंटी पर सबको यकीन है। तो मोदी की गारंटी पर यकीन है या फिर जैसा कुछ लोग कह रहे हैं कि इस बार परिवर्तन आएगा? मोदी की गारंटी पे 100% यकीन है, मोदी ने बोल दिया है, पक्का बोल दिया होगा, 100% होगा। इतनी सारी योजनाएं, अब आयुष्मान योजना को लेके देखो, आज गरीब तबके के लोग कितने खुश हैं उससे, जिनके पास इलाज कराने के लिए 5,000 रुपए नहीं होते थे वो आज 5 लाख रुपए का इलाज करा पा रहे हैं। तो मोदी जी की है तो सब कुछ मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, 100% गारंटी, मोदी मतलब 100%। चौपाल में मौजूद लोग अपनी उंगलियों पर पीएम मोदी की गारंटी का दम गिनवाते नजर आए और कहते नजर आए कि पीएम मोदी की गारंटी पर भिंड ही नहीं पूरे देश को भरोसा है। सर कुछ विकास कार्य हुए हैं, विकास के नाम पर वोट पड़ रहा है, आपको क्या लग रहा है कि 35 साल से बीजेपी कब्जा करके बैठी है यहाँ, तो कुछ तो काम हुआ है या नहीं? बिल्कुल मैम, लोकसभा में उठाया गया है 6 लेन का मुद्दा और लोकसभा से उन लोगों ने पास भी कराया हुआ है 6 लेन, और उसके बाद ओवरब्रिज का भी भूमि पूजन हुआ है, तो बिल्कुल हुआ है, ग्राउंड पर भी हुआ है, ऊपर से मोदी जी की गारंटी तो चल ही रही है कि 370 का प्रॉमिस किया था वो हटा दिया, राम मंदिर का किया था वो भी हटा दिया, बीजेपी के मैनिफेस्टो में जो भी सारे प्रॉमिस किए थे वो उन्होंने पूरे कर दिए हैं। विपक्ष अब ये बोलने लगा है कि कितने और प्रॉमिस पूरे करोगे, पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो मैनिफेस्टो में वादे किए गए थे वो पूरे हो रहे हैं, और आज